जी भैया, कौन सा अतर दिखाना है आपको? वाइट दूध आता है ना यार। अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ के आ जाते हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। हाँ, वैसे भी 10 दिन बाकी है रमजान के, जैसे तैसे करके 10 दिन निकाल लेते हैं नमाज पढ़ के। भाई जान, एक मिनट, क्या हो गया? सर एक बात बताओगे? अपन नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इसको लग रहा है कि अपन वापस नहीं आएंगे, इसको इसकी गिराकी की पड़ी है। चल बोल बोल। सर मैं तो इतना पूछ रहा था, क्या नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज है? नमाज तो हमेशा फर्ज है, लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ते हो। ये तो आप सिर्फ खुद के लिए और दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहे हो। अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ होता ना, तो साल में आप एक भी नमाज नहीं छोड़ते। रमजानों में ज्यादा सवाब मिलता और रहमत बरस रही, इसलिए नमाज पढ़ रहे हो। याद रखना, अल्लाह जितना रहीम है ना, उतना जलाली भी है, इसलिए जितना उसकी रहमत से खुश हो रहे हो ना, रमजान के बाद उसके जलाल से डरना भी सही। अबे तू इतना क्यों बोल रहा है? तू भी तो नहीं जा रहा नमाज पढ़ने? मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा। घर पे चोरी हो गया, आप जल्दी से आ जाओ। क्या, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तू टेंशन मत कर। क्या हुआ बेटा, कहाँ चोरी हुई? अरे पापा चोरी नहीं हुई, वो तो मैंने आपको ऑफिस से बुलाने के लिए छोटा सा नाटक किया था। पागल है क्या तू? सैलरी में से पैसे कट जाएंगे मेरे, ऑफिस का काम छोड़ के आया हूँ मैं। वाह पापा, आपको मैं कितनी बार ऑफिस से कॉल करके बुलाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तब तो आप नहीं आते। मैंने एक छोटा सा झूठ बोला कि आपके पैसे चोरी हो गए, तो आप फटाफट भाग के आ गए। बेटा आपको पैसों से प्यार है, अल्लाह के घर से नहीं। दिन भर में अल्लाह आपको 5 बार बुलाता है, लेकिन आप एक बार भी नहीं जाते। 5 बार नमाज पढ़ने जाऊंगा तो बॉस नौकरी से नहीं निकालेगा मेरे को? ऑफिस के बॉस से मत डरो, उस बॉस से डरो जो आपके बॉस का भी बॉस है, बल्कि वो तो पूरी कायनात का बॉस है। जब तक वो ना चाहे ना, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसलिए इस ऑफिस के बॉस से नहीं, इस कायनात के बॉस से डरो, अल्लाह से। चलो, जिस काम के लिए बुलाया था उसका टाइम हो गया। अजान हो गई, चलो बाद में पढ़ेंगे नमाज यार। अफजल चल नमाज पढ़ने चलते। अबे कौन है तू? मैं यूनुस हूँ ना, तेरा खास दोस्त। अबे यूनुस है क्या? मैंने सोचा कौन चोर आ गया, डर गया था मैं पागल। चल भाई नमाज पढ़ने चलते। तू बोल रहा नमाज पढ़ने जाने की, अबे तू तो ईद तक की नमाज छोड़ देता और मुझसे बोल रहा नमाज की। भाई नमाज पढ़ना शुरू कर दे, वरना तू भी मेरी तरह जहन्नुम की आग में जलेगा। क्या जहन्नुम की आग लगा रखी है? और क्या पहन रखा है इसको? अफजल चल। अरे आ सोनू बैठ, देखी क्या पहन कर आ गया। अबे किससे बातें कर रहा है तू? अंधा हो गया क्या? तुझे नहीं दिख रहा कि ये बैठा तो ये यूनुस? अबे यूनुस कहाँ दिख रहा तू? यूनुस अबे उसका इंतकाल हो गया, उसकी जनाजे के लिए आया हूँ तुझे मैं, चल। अबे तुम दोनों मेरे मजे क्यों ले रहे हो? ये बोल रहा है मैं जल गया, तू बोल रहा है इंतकाल हो गया। अफजल वो सच कह रहा है मैं मर चुका हूँ, तू भी जीते जी नमाज पढ़ना शुरू कर दे, वरना तू भी मेरी तरह जहन्नुम की आग में जलेगा। क्यों पागल बना रहे हो मुझे? अबे तुझे भी तेरे बेस्ट फ्रेंड का सदमा लग गया क्या? चल जनाजा लेके जा रहा उसका, चल। यूनुस भाई आपको पता नहीं है क्या, बुरान का इंतकाल हो गया। बुरान का इंतकाल कैसे हो गया? उसको कर्जे के पैसे देने थे किसी को, किसी ने उसकी मदद करी नहीं, तो टेंशन में अटैक आ गया उसको। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जनाजा कितने बजे लेके जाएंगे? तुम भी जाओगे क्या? जनाजे में जाऊंगा तो उसको भी सवाब मिल जाएगा और मुझे भी सवाब मिल जाएगा। बड़ी फिक्र है तुम्हें उसकी कि उसको भी सवाब मिल जाएगा? सवाब तो तब मिलता जब वो जिंदा था, तुम उसकी मदद करते। कली लिए नहीं कार, एक और लेने जा रहा हूँ दूसरी। इस बार की लोन की किस्त चाहिए, 20,000 रुपए उधार दे देना, लौटा दूंगा तेरे को। ड्राइवर हूँ मैं तो, दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ, चल निकल, नहीं है पैसे वैसे। मरे हुए इंसान को तो न जाने कितने लोग सहारा दे देते, लेकिन जब एक जिंदा इंसान को कोई अकेला इंसान सहारा और कांधा देना, तो वो उन 1,000 लोगों से बढ़कर है जो उस अकेले ने किया। हमारे नबी सभी को सहारा देते थे। अरे तो वो तो नबी थे यार, तो हमें भी तो उनके तरीके पे तो चलना है। जो हमारे नबी की सुन्नत जिंदा करे ना, तो उसे 7 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है। चल उसके जनाजे में चलते, जनाजा निकल जाएगा। अबे कहाँ जा रहा है, बैठ जाए, वो मरा नहीं वो जिंदा है। बस मैंने एक छोटा सा झूठ बोला कि तुझे समझ आए कि जिंदा लोगों का सहारा बनो, मरे हुए इंसान का तो लाखों लोग सहारा बन जाते हैं। तुझे मालूम है ये किसके होटल है? वो अपना फरहान है ना। कौन सा फरहान? अरे यार वो आ गया। अरे अफजल, अरे यूनुस, अरे खाना लाओ इनके लिए। हाँ मंगा। अरे फरहान तूने ये होटल कब खोल ली? तू तो सट्टे ब्याज और 2 नंबर का काम करता था ना। पहले करते थे 2 नंबर का काम, अब तो होटल खोल लिए, अब तो 1 नंबर का और हलाल का कमा रहे। फिर भी इतनी जल्दी इतनी बड़ी होटल कैसे खोल ली? अरे जो पैसा 2 नंबर में कमाया था ना, सारा इसी में लगा दिया। हाँ अफजल भाई, अब ये ईमानदारी से काम कर रहा है। चलो मुझे यहाँ खाना नहीं खाना। क्या हो गया अफजल भाई, पहली बार आया खाना खा के नहीं जाएगा क्या? मुझे अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर खाना खाऊंगा ना तो जरूर हो जाएगा। मेरे खाने में क्या जहर मिल रहा है क्या? कैसी बातें कर रहा तू ये? जहर तो नहीं, लेकिन जो तेरे खाने में मिला हुआ है ना, वो जहर से भी बुरी चीज है, वो हमारी यहाँ पर भी जान ले लेगी और ऊपर भी जान ले लेगी। और जो तूने होटल खोली ना और उसमें जो पैसा लगाया है, वो हराम का पैसा है। तू सोच रहा है तू अभी ईमानदारी से काम कर रहा है और हलाल का कमा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि तेरा खाना, ये टेबल और ये होटल है ना, इनमें 1 रुपया भी अगर हराम का मिला हुआ है ना, तो फिर जो हलाल रहेगा ना, वो भी हराम का हो जाएगा। इसलिए नहीं खाना में यहाँ पे खाना। चलिए यूनुस।
डेढ़ फुट के तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। अभी ताकत दिखाता तुझे डेढ़ फुट की। बस तेरी तो छोड़ो, क्यों लड़ रहे हो? मुझे लंबू बोल रहा है और ये मुझे टिंगू बोल रहा है। उस पेड़ पे से तुम दोनों में से देखते हैं फूल पहले कौन तोड़ता है। अबे तू टिंगना है, कुछ भी नहीं कर सकता तू। अब देखते हैं तुम दोनों में से पैसे पहले कौन उठाता है। जो काम तुम कर सकते हो ना वो ये नहीं कर सकता, और जो काम ये कर सकता है ना वो तू नहीं कर सकता। आजकल घमंड और भेदभाव बहुत होते हैं, वो काला वो गोरा वो मोटा वो पतला। अभी वो मोटे से जो खड़े ना उनमें मुझसे ज्यादा ताकत होगी क्योंकि मैं पतला हूँ उनसे। लेकिन अगर दौड़ लगाई जाए तो पतला इंसान यानी मैं जीत जाऊंगा उनसे। अबे मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। अगर अल्लाह ने किसी को 100 खूबियां दी है ना तो 10 कमियां भी दी है। दुनिया में वो एक ही हस्ती है जिनमें हर तरह की खूबी है लेकिन कमी कोई नहीं है, और वो हमारे नबी है। इतनी खूबियां होने के बाद भी उन्होंने कभी खुद पर घमंड नहीं किया। चाहे कोई अमीर हो गरीब हो काला हो मोटा हो पतला हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी में फर्क नहीं किया।